चलो चलो सिर्फ 50 पैसे, आज का आखिरी शो मौत का कुआं। चलो चलो सिर्फ 50 पैसे, टिकट वहां मिलती है। भैरों, तुम भैरों हो ना? तुम जानते हो मुझे? मैं मोहन हूं। मोहन? कमली कैसी है? अच्छा अच्छा तुम हो। बहुत दिन हो गए, करीब 30 साल। हाँ, उसके बाद तो तुम्हें देखा भी नहीं। क्या कर रहे हो यहाँ? अभी अभी बदली पर आया हूँ, मास्टर हूँ स्कूल में। अच्छा अच्छा कमली कहाँ है? कमली? आओ मेरे साथ, मैं आता हूं अभी। सोई हो तो रहने दो, मैं फिर मिल लूंगा। मेरी वजह से जगाने की क्या जरूरत है? नहीं, नहीं जगाऊंगा। अंदर आ जाओ। बस यही कमली है। सुना है तुम्हीं ने खींची थी ये तस्वीरें।
इतना नजदीक नहीं, थोड़ा पीछे। मेरी तस्वीर क्यों खींचता है? तो क्या हुआ, मैंने तो बहुत सी तस्वीरें खींची हैं। थोड़ा पीछे। नहीं जाती हूँ पीछे। ए, कहा ना मैंने खिंचवा थी तस्वीर। अरे बड़ा वो है, कहा मत खींच। फिर भी चुपचाप खड़ी भी तो नहीं होती, तस्वीर कैसे खींचूं? चलो बच्चे चलो झूले में बैठो। ए, हमारे झूले में क्यों नहीं बैठता? सिर्फ चारा नहीं। अच्छा बैठूंगा। कहा ना बैठूंगा। फिर बैठता क्यों नहीं? सिर्फ चारा नहीं। अभी तो बहुत टाइम है, पहले तेरी तस्वीर खींच लूं। हाँ सीधी खड़ी हो ना? नहीं होती, मालूम है तस्वीर खिंचवाने से उसमें हमारी रूह चली जाती है। अच्छा किसने कहा? मैं जो कह रही हूँ। हाँ सच, एक बार किसी ने भैरव की तस्वीर खींच ली थी तो 10 दिन पड़ा रहा बिस्तरे पर। अच्छा? हाँ, वो तो ओझा ने झाड़ू मार मार के रूह को बुला लिया, नहीं तो मर जाता। हट, मरेगा क्यों, लेकिन झाड़ू के मार से वो अधमड़ा सा हो गया था। है कौन भैरव? वो देख फटफटिया वाला। चलो बच्चे चलो चलो। अरे रूह कुछ नहीं आती तस्वीर में, और ना ही तो बीमार पड़ेगी। जब तस्वीर तैयार हो जाएगी ना तो तुझे दे भी दूंगा एक। मुझे तस्वीर देगा? सच? सच नहीं तो क्या, लड़के कभी झूठ बोलते हैं? ना बाबा ना, मैंने खिंचवाती तस्वीर। क्यों, अब क्या हुआ? अभी तस्वीर खींचेगा फिर पैसे मांगेगा ना तस्वीर के। नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं तस्वीर चाहिए। चलो बच्चे चलो, चाकर की साइड, चाकराने चलो चलो। अरे बाबा मैं नहीं मांगूंगा पैसे। We'll be right back.
किस लिए आज बबुआ झूलो तुम मौज में घूमे 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 प्यारा हिंदोला मेरा प्यारा हिंदोला मेरा उड़ने खटोला मेरा घूमे 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 तो आकाश सारी धरती मगन होके झूमे 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 घूमे तो आकाश सारी धरती मगन होके झूमे 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 प्यारा हिंदोला मेरा मुझे भी काटेगा चलो एक बार। अरे तुम्हें कुछ आता भी है पता नहीं तस्वीर खींचने आती है क्या नहीं। चलो बैठो वहां। ए उधर देख। मशीन नहीं लाए क्या करूं लाकर तू तस्वीर तो खिंचवाती नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मोहन। मोहन क्यों अच्छा नहीं लगा नाम? नहीं ठीक है। मेरा नाम तो पूछो। क्या नाम है? तुम मुझे साइकिल चलाना सिखा दोगे? हाँ हाँ। कितने पैसे लोगे? कुछ नहीं। मुफ्त पर सिखा दोगे? तुम्हारे लिए मुफ्त लेकिन एक शर्त है। क्या? तस्वीर खिंचवानी पड़ेगी। और अगर बीमार पड़ गई तो झाड़ू मार मार कर ठीक कर दूंगा। क्यों ठीक रहा ना? नहीं बताती। मेरा नाम कमला है कमली। चलो बच्चे चलो अभी मेला शुरू होने वाला है चलो आ जाओ चाचा रानी। चल तू संभाल।
आज बैठोगे नहीं झूले में? आज बहुत देर लगा दी। क्यों? आज मुफ्त घुमाओगे मुझे? तुम्हारे लिए मुफ्त, लेकिन एक शर्त पर। क्या? यहाँ रोज आया करो। बैठोगे नहीं झूले में? चुनीलाल जी, देख मोहन, तेरे दादा शायद जाग गए हैं, मैं नहाने जा रहा हूं। घर मैं घर जाऊंगा, मुझे घर ले चलो कोई, मुझे घर ले चलो कोई, मेरा घर। हाँ दादा, मैं अभी आया। अपने दादा को रोज दोनों वक्त घुमाने ले जाया करना। जी पिताजी। मैं आ जाऊंगा कोई एक आध हफ्ते के अंदर, तेरी माँ को भी लेता आऊंगा। खाना बुआ के यहीं खा लेना, या फिर उसे कह देना खाना यहीं भिजवा दिया करे। ठीक है पिताजी। रात को घर जल्दी आ जा करना, तेरे दद्दा अकेले हैं। ठीक है पिताजी। छुट्टियों में कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है? जी पिताजी। तेरी पढ़ाई लिखाई पर तो बेकार पैसा खर्च हो रहा है, इस बार भी साफ फेल हो गया। इस बार छुट्टियों में जरा मन लगा के काम करना। ठीक है पिताजी। तेरी ठीक है पिताजी तो मुद्दतों से सुन रहा हूं, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो हटाओ किससे को। इस बार भी पास नहीं हो सके तो हजरत समझ लेना पढ़ाई बंद, घास काटना जिंदगी भर। पैसे वैसे हैं कुछ? 2 रुपए हैं बस, 2 ही। क्या करता है पैसों का तू? ये रख, मैं जा रहा हूं, अपने दादा को ले जाना, अभी घर का भी ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। आज तेरे बाबूजी बड़े जल्दी निकल गए। दौरे पे गए हैं, 6-7 दिन में आ जाएंगे। 6-7 दिन में क्या कुछ कम है? आज तो बहुत जल्दी घास काटने चल दी। घास नहीं काटूंगी तो खाऊंगी क्या? तू खिलाएगा मुझे? पिताजी कह रहे थे मुझे भी घास काटनी पड़ेगी। सच? ले, ये पानी फेंक दे।
तू तो शहर में अंग्रेजी पढ़ता है, देखू तो अंग्रेजी में लोग घास कैसे काटते हैं। अब तू जा। अरे तू भी चलना। अब मुझे दद्दा को लेके बाहर जाना है। दद्दा? अरे हाँ, तेरे दद्दा उस दिन मुझे शकुंतला कह रहे थे। अरे दद्दा को तो चारों तरफ शकुंतला ही नजर आती है। कौन है ये शकुंतला? होगी उनके जमाने की कोई, जब से उनकी याददाश्त गई है ना पुराने ख्यालों में खोए रहते हैं। जानती हो मुझे क्या कहते हैं? क्या? चुन्नी लाल। चुन्नी लाल? अब से मैं भी तुझे चुन्नी लाल कहूंगी। लेकिन मैं तुझे शकुंतला कहने वाला नहीं। अब तू जा। ए मोहन, हाँ? जल्दी आना नदी किनारे। हाँ चुन्नी लाल जी। चुन्नी लाल जी। चलो दद्दा। कौन? चुन्नी लाल जी? मोहन। क्या? हाँ दद्दा, चुन्नी लाल। मुझे घर ले चलो चुन्नी लाल जी। हाँ दद्दा, घर ही जा रहे हैं। बाहर सर्दी तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा पैर? अगर नदी में बाढ़ आ गई हो तो? नदी में बाढ़ कहाँ से आएगी, बारिश तो हुई नहीं। चलिए उठिए। क्यों परेशान कर रहे हो? आओ दद्दा। हाँ कोट पहनो। हम घर जा रहे हैं ना? हाँ हम घर ही जा रहे हैं दद्दा। तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो चुन्नी लाल जी, लेकिन तुम्हारी ये सेवा बेकार नहीं जाएगी। मेरे पास कुछ पैसा है बैंक में, बैंक वो घर में है, घर पहुंचते तुम्हें दे दूंगा। रुपयों की फिक्र ना कीजिए दद्दा। नहीं मैं किसी से बेकार काम नहीं करवाता। मैं चलिए। नाव? नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाव की जरूरत कहां से पड़ेगी, नदी तो सूखी पड़ी है। हाँ। चलिए। शकुंतला। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कहाँ जा रहे हैं आप? घर। घर? ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए। अरे रुको तो, कितनी सुंदर लग रही हो तू आज शकुंतला। ये तो आप ऐसे कह रहे हैं, मुझे तुम्हारे जमाना हो गया। अरे नहीं नहीं शकुंतला, तुम अब भी उतनी सुंदर हो जैसे गुलाब का फूल, ये हरा दुपट्टा, ये लाल चोली। नदी कैसे पार करेंगे? आप बैठिए, मैं मांझी को बुलाकर अभी आया। देर तो नहीं लगेगी? नहीं दद्दा, मैं अभी गया और अभी आया। किताब मुझे वापस दे दे, तेरे मतलब की नहीं है। वो तो मैं देख ही रही हूँ, हमारे लल्ला शहर जाके नए नए मतलब वाली किताबें पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी।
कहानी है, मेरी किताब दे दे। हाँ नहीं दूंगी। आ, नहीं छोड़ ना। नहीं ये ले। जंगल में चलते हैं। नहीं छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगी। दत्ता बैठे छोड़ना। दत्ता कुछ नहीं देखती। मेरी किताब लेने दे। क्या पढ़ता है इन किताबों में? ये सब पढ़ने के लिए शहर जाना क्या जरूरी है? चल छोड़ अब, जा जाके अपना काम कर। तो क्या तू इन तस्वीरों से मन बहलाएगा? चल ना मोहन। छोड़ छोड़ ना मुझे। इस बार तुझे क्या हो गया है? होगा क्या? इस बार मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, इम्तिहान में पास होना है। पढ़ाई शहर जाकर करना। चल उठ अब नहाते हैं। मैं नहीं नहाता। तुझे तो नहाने का बड़ा शौक है। आज मैं नहलाऊंगी तुझे। चल। कह दिया ना मैं नहीं नहाता, तू जा। रूठे रूठे बलम तुम्हें हमारी कसम, मान जाओ ना पढ़ाई छोड़ो ना। जल्दी तुम कहाँ हो चुनीलाल जी? आया दादा। हाँ दादा। चुनीलाल जी मुझे घर जाना है। दादा आप बैठो, माँ जी भी आते ही होगा। नहीं नहीं आप भी कहीं नाव चले नहीं जाए। चलो। अच्छा दादा। संभाल इसे। चलो चलो चलो। चलो बच्चों चलो, चार आने में घोड़े की सवारी। पंचम
ही देर से आई हूं। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या सोच रही हो? तुम किसी और से प्यार तो नहीं करते हो? चुन्नी लाल नहीं। नहीं कमली, सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो? हाँ कमली। मैं भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। चलो उस पार चले। यहीं बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए तो आए हूं भाग के। थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन उस पार चलते हैं। करते हो सारा दिन? तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। वो नहीं, वो तो मैं भी करती हूँ। मेरा मतलब है क्या करते हो, जैसे मैं मेले में काम करती हूँ। कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ तो करते होगे। यही कुछ पढ़ने लिखने की कोशिश करता हूँ। आजकल छुट्टियों में हूँ मैं। क्या पढ़ते हो? अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, गणित और बहुत कुछ। पढ़कर क्या होता है? कुछ नहीं। क्यों? असल में मुझे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार फेल भी हो चुका हूँ। फिर क्यों पढ़ते हो? पिताजी चाहते हैं कि मैं पढ़ लिखकर स्कूल में मास्टर बन जाऊं। ठीक ही तो है। मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे तुम्हें इसी तरह नाव में बिठा कर हमेशा हमेशा घूमता रहूं। ला मैं चलाती हूँ। अभी तो पहुंच ही गए हैं, वापसी पर चलाना। आज उस पार रहने दो, मुझे जल्दी जाना है, नाव घुमा लो। चलो ना उस पार। नहीं मोहन, आज रहने दो। भैरव ने देख लिया है, हमेशा घूरता रहता है। घूरने दो, वो कुछ नहीं करेगा। अरे नहीं बाबा, उसी से तो मेरी शादी पक्की हो गई है। ए मोहन, ला मैं चलाती हूँ।
मोहन, ए मोहन, मोहन, अरे चुन्नी लाल, आज फिर भाग कर आई हूँ। किसी ने देखा तो नहीं ना? पता नहीं। अरे इतना हंस क्यों रही हो? ऐसे ही, आज 4-5 घंटे तक छुट्टी है मेरी, चलो उस पार चलते हैं। चलो। तुम हमारा गाना सुनोगे? क्या गाऊं? ये जब से हुई
हरी धनिया कुछ खा के तो जा, इतनी भी क्या जल्दी है। तू फिकर न कर दादी, मैं खा लूंगी कहीं। हाँ कर जो जी में आए। ए, अरे कहाँ जा रहा है? ए, आया क्यों नहीं इतने दिन? मैं रोज रोज नहीं बैठी रहूंगी तेरे लिए। मत बैठ, चलो दादा। अरे वाह, आज तो बड़ा इतरा रहा है। अरे सुन तो, कौन है ये? अरे तुझे ये तस्वीर कहां से मिली? बस मिल गई, चाहिए तुझे? मुझे क्या करना है, रख ले। तो यूं ही झपट्टा मार रहा था बिल्ली की तरह। बता कौन है ये? कोई भी हो, तू कौन होती है पूछने वाली? हाँ मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? एक घसियारन जिठे। अरे बाबा मेले में बहुत सी तस्वीरें खींची थी, एक इस बंजारन की भी खींच ली। इस बार तूने मेरी एक भी तस्वीर नहीं खींची। तेरी तो बहुत सी तस्वीरें हैं मेरे पास। अरे जाता कहाँ है, ये ले। मैं वहीं जा रही हूँ, नदी पर आ जाना, नहाएंगे दोनों चुन्नी। आप यहां बैठो। क्या वो यही है? हाँ दादा, वो दिखवा रही है। आज तुम कितनी अच्छी लग रही हो शकुंतला, बस तुम्हें ऐसे ही हमेशा देखता रहूं। अब वक्त आ गया है, हम लोग जल्दी चले जाएंगे। क्यों? यहाँ का मेला जो खत्म हो रहा है। फिर कब मिलेंगे? तुम जल्दी मर जाओगे क्या? मैं? फिर मिलेंगे क्यों नहीं? तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत हैं। इसमें ऐसी क्या खूबसूरती है, दूसरे हाथों की तरह मेरी भी पांच उंगलियां हैं। अभी आओ ना वहां। अभी कुछ कह नहीं सकती। देखो मुन्नी के बाल कितने नरम हैं, हाथ लगा कर देखो ना। कमली चलो ना। अच्छा रात को आऊंगी। रात को नहीं, अभी। मुझे एक काम है, मैं रहूंगा वहां। अब मैं जा रही हूं, वहां सब मेरी राह देख रहे होंगे। थोड़ी देर और ठहर जाना कमली, मैं तो अभी आया हूं। दद्दा को सुलाने में थोड़ी देर हो गई मुझे। नहीं मोहन, मुझे भी देर हो रही है। तुमने कहा इसलिए भाग कर आई हूं। क्या बात है? बात क्या होगी, तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूं। बस आखिरी मुलाकात है। आखिरी क्यों, आज रात को भी तो मिल रहे हैं हम। हाँ तुम कब जा रही हो? शायद कल ही। फिर कहां मिलेंगे? हम लोग सीतापुर जा रहे हैं, वहां तुम आ जाना। सीतापुर तो यहाँ से 10 मील दूर है, मैं कैसे आऊंगा? क्यों, तुम्हारे पास तो साइकिल है। नहीं कमली, दद्दा को छोड़कर मैं। फिर अगले साल मिलेंगे यहीं पर। एक साल बाद? नहीं कमली, मत जाओ कहीं, तुम यहीं रहो। फिर इतनी देर से क्यों आए? Yeah.
छीलने से अंदर से सफेद सी गोभी निकलती है क्या नहीं? हाँ निकलती तो है। तो प्याज के छिलके छीलने से क्या निकलेगा? नहीं मालूम ना आंसू। क्या आंसू? प्याज के छिलके छिलने से आंसू नहीं निकलते? अच्छा मोहन, तुम मुझे रुलाओगे तो नहीं? मैं क्यों रुलाऊंगा? अब सुनाओगी गाना? Thank you.
सब कुछ मुझको अपनी प्रीत देखे, राम करे यूं ही बीते जीवन तुम्हारे गीत गए के। अब मुझे घर जाना चाहिए। अब आराम कीजिए दादा, कल हम फिर घूमने जाएंगे। हाँ क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? घर, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। निशाना लगाइए, चार आना में तीन चांस लगने पे दो चांस फ्री। आइए निशाना लगाइए, चार आने में तीन चांस। आइए निशाना लगाइए, चार आने में तीन चांस, तीन चांस लगने पे दो चांस फ्री। आइए चलिए, चार आने में तीन चांस। आइए निशाना लगाइए, चार आने में तीन चांस, तीन चांस लगने पे दो चांस फ्री। आइए निशाना लगाइए।
चार आने, चार आने, सिर्फ चार आने, आइए निशाना लगाइए, चार आने में तीन चांस, चार आने में तीन चांस, आइए निशाना लगाइए, आइए आइए निशाना लगाइए, चार आने में तीन चांस, चार आने में तीन चांस, आइए आइए निशाना लगाइए, चार आने में तीन चांस, चार आने में तीन चांस, दीजिए आपके दो चांस फ्री, आइए आइए निशाना लगाइए, आइए आइए निशाना लगाइए, चार आने में तीन चांस, चार आने में तीन चांस, आइए आइए निशाना लगाइए, आइए निशाना लगाइए, आइए 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 निशाना लगाइए, चार आने, चार आने, चार आने में तीन चांस, चार आने में तीन चांस, तीन चांस लगने पे दो चांस, आइए आइए आना, ग्यारह आना, बारह आना, कमली का है? अरे होगी अपने तंबू में, कुछ बोलते क्यों नहीं? ऐसे क्यों परेशान हो? तुम नहीं हो परेशान? हूं तो सही। क्या बात है? पता नहीं, देखो मेरी अंगूठी, तुम्हें चाहिए ऐसी अंगूठी? कितनी अच्छी लगती है तुम्हें। हम दोनों शादी कर ले तो? क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम तो स्कूल मास्टर बनोगे। पिताजी यही चाहते। हमारे मेले में काम करोगे? नहीं, कुछ करोगे तो सही। बस घूमता रहूंगा यहां वहां सारी दुनिया में। मेरी उम्र क्या है मालूम है? 100-200 साल की होगी। हट, 18 साल की हो गई हूं मैं। बहुत जल्द मैं भी 22 साल का हो जाऊंगा। मेरे बाबा हमें एक नया चक्कर खरीद के देंगे। जब कहीं मेला ना होगा ना, तुम हमारे रिश्तेदारों के साथ रहना। हमारे गांव में एक छोटा सा घर भी है। तुम क्या बहुत खाते हो? कॉलेज में पिताजी फीस और मेस भर में खाने के लिए पैसे भेजते हैं। जब कभी रात को देर हो जाती है ना, तो एक वक्त भूखे सोना पड़ता है। फिर तो बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? तुम कम खाते हो ना, हमारे वहां पे भूखे नहीं रहना पड़ेगा। थोड़े में ही काम चल जाएगा। और वो भैरों का क्या होगा? है? भैरों? मैं तो इसे भूल ही गई थी। अरे बोलती क्यों नहीं, कहां थी? कहां थी रात इतनी देर? ना बोलने की कसम खाई है क्या? कह तो दिया यही थी। तुम लोगों ने बहुत ढील दे रखी है, मुझे नहीं पसंद ये सब हरकतें। आज से मैं संभाला करूंगा कमली को, वो कोई बच्ची थोड़ी है। कौन सी वो भागी जा रही है, हो जाएगी शादी। अरे तुम तो मेरे पीछे पड़ गए थे जब मैं 15 साल की भी नहीं थी। अपनी कमली तो 17 साल की हो गई है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, बहुत हो चुका।
हमारे अगले पड़ाव में एक पंडित जी हैं, वहीं शादी करवा दो। जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं, अगले जाड़ों में कर देंगे शादी, तब तक हमें भी फुर्सत हो जाएगी। नहीं, मुझे ही सब ठीक करना होगा। क्यों, ठीक है ना? जो मन में आए करो, तुम दोनों की शादी तो पक्की हो गई है, जब जी चाहे कर लो। बाबा, हम लोग क्या कल ही चले जाएंगे? नहीं बेटा, परसों चलेंगे। यहाँ काम कुछ अच्छा ही चल रहा है, मेला भी परसों तक रहेगा। कमली, इधर आ। ये ले, जा बेर लिया। मैं घर जाऊंगा। चुनीलाल जी, हमें अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच जाना चाहिए, सुना चुनीलाल जी? वो तो ठीक है दद्दा, आपने पैरों में जूते नहीं पहने, कपड़े नहीं पहने, चलेंगे कैसे? अरे गाड़ी आ गई, जल्दी 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 गाड़ी आ गई। ओ हाँ हाँ, गाड़ी आ गई, बस एक मिनट। हाँ दद्दा, यहाँ चलिए गाड़ी के अंदर। इधर हाँ, डब्बे में तो बहुत गर्मी है। खिड़कियाँ खोल दूँ? ना 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 ना, शायद बारिश आ जाए। चलो दद्दा, स्टेशन आ गया, हमें यहीं उतरना है। यहाँ लगता है बारिश अभी हो चुकी है, माजी को बुलाओ। दादा, हम नाव में तो हैं, माजी तो नाव चला रहा है। हाँ, हम घर सही सलामत पहुंच जाएंगे ना। क्यों नहीं, आज नदी में पानी ज्यादा लगता है। हाँ दादा, बारिश कुछ ज्यादा हो गई है, लगता है नदी में बाढ़ जरूर आएगी। हाँ अच्छा हुआ, हम जल्दी आ गए। हाँ हाँ, माजी नाव यहीं रोकना, हमारे दादा यहीं उतरेंगे। आइए दादा। चुनीलाल जी, जी कहीं से एक लालटेन ले आओ, चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। दद्दा, लालटेन तो मैं ले आऊं, लेकिन आज रात हमें यही बितानी पड़ेगी, कल सुबह चलेंगे। लेकिन आज भी मैं चल सकता हूं? दद्दा, रात काफी हो चुकी है, ऊपर से बारिश का मौसम है, चलो। हाँ यहां, अब सो जाइए दादा। हाँ, कल हम घर पहुंच जाएंगे। खाना लाने। क्यों रे? ए, आजकल इतना कतराता क्यों है मुझसे? जा घर जा जल्दी से, शाम बहुत हो गई है। कोई और मिल गई है क्या? क्या बक रही है? तो फिर इतना क्यों सताता है मुझे? कितनी तड़पती हूँ तेरे लिए मैं। देख धनिया, तू मुझसे ऐसी बातें ना किया कर। तू मुझे अच्छा लगता है, इसमें मैं क्या करूं बता?
तू शादी कर ले कहीं। अरे बैठ तो, मैं तो इससे शादी की बात थोड़ी करने वाली हूँ, तू ठहरा ठाकुर। अच्छा अगर तू मेरी तरह घसियारा होता तो हमारी शादी हो जाती। फिर तो मैं दुनिया भर की घास काटते हुए भी नहीं थकती। तू सचमुच शादी कर ले, करती क्यों नहीं? मेरी दादी अकेली हो जाएगी, उसे कौन देखेगा, और फिर पता नहीं ससुराल कैसे मिले। अच्छा उठ। अगर मेरी शादी हो गई तो तुझसे कैसे मिलूंगी? मुझसे मिलने की तुझे कोई जरूरत नहीं, चल उठ, चल ये ले। आए, ए मेरा हसिया दे। ले। ए, तुझे मेरी कसम, आज रात नदी पर आ जाना, पूरनमासी है ना, चांदनी रात होगी। ए मोहन, आना जरूर, नहीं तो देख लेना मैं भी। हाँ। हर सांस पर बहता हुआ उनका ही आज नाम है ये। ऐ मेरे मन मैं हूँ मगन, उनसे मिलन की शाम है ये। हर सांस पर बहता हुआ उनका ही आज नाम है ये। ऐ मेरे मन मैं हूँ मगन। तन में मन में हर पल अब है बसी, छलकी छलकी उनकी मधुर वो हंसी। धीरे धीरे जैसे गिरे होंठों से रसीला सावन सावन। ऐ मेरे मन मैं हूँ मगन, उनसे मिलन की शाम है ये। हर सांस पर महका हुआ उनका ही आज नाम है ये। ऐ मेरे मन मैं हूँ मगन। कब ये कैसे प्यार हमारा ये पला, कब ये कैसे प्यार हमारा ये पला। अपना नाता किसी को भी पता न चला, जग से छुपके जोड़े हमने नैनों से नयन ये नयन। ऐ मेरे मन मैं हूँ मगन, उनसे मिलन की शाम है ये। हर सांस पर महका हुआ
नई फोटो इसे मैं अपने पास रखूंगी। नहीं मैं नहीं दूंगा। अच्छा रख लो। कल हम लोग नहीं जा रहे हैं। हाँ परसों चले जा रहे हैं। नहीं तुम नहीं जाओगी। सच परसों चले जाएंगे। मैं नहीं जाने दूंगा। बस एक ही बेर बचा है, ये लो। गुस्से में आग बबूला हो जाएगा। कौन? भैरो। और कौन, उसने तो मुझे भेजा है बेर लाने। है तो मीठे। बाबा ने मेरी शादी भैरो से पक्की कर दी है। वो हमारे साथ 2-3 साल से है ना। अगले पड़ाव पहुंचते भैरव शादी करना चाहता है। मैं क्या करूं मोहन? अच्छा गुलबदन का मतलब क्या होता है? क्यों? जब भी मेरे बाल बिखर कर मेरे मुंह पर आते हैं तो भैरो कहता है कि मैं गुलबदन जैसी लगती हूँ। गुलबदन एक बहुत ही खूंखार जानवर का नाम है। हाँ? मैंने समझा गुलबदन कोई अच्छे से फूल का नाम है। ये देखो भैरो की टोपी। हम क्या सिर्फ भैरो की बातें करते रहेंगे? तुम कितने अच्छे हो। अच्छा मोहन, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या मैं तुम्हें? तुम बताओ। मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर उसे भी? तुम तो जानते हो मैं भैरों को बिल्कुल नहीं चाहती, सिर्फ तुम्हें। तुम बिल्कुल दूसरी तरह की हो। मोहन तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं कमली। कल शायद मेरे पिताजी वापस आने वाले हैं, मुझे उनकी नजरों से दूर रहना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया ना तो मेरी हड्डी पसली कर देंगे। क्यों, हमें किसी ने देखा तो नहीं? अरे तुम्हारे लिए नहीं कमली, मैं इन छुट्टी में पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा हूं ना, इसलिए घूमता रहता हूं फिरता रहता हूं बस। मेरी माँ भी मुझसे पिन छुड़ाना चाहती है। मैं तो सोच रहा हूँ घर से भाग जाऊं। तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? अरे कुछ दिनों में सब सह लेंगे। सच? फिर मैं भी घर से भाग जाऊंगी। चलो हम दोनों कहीं भाग चले। हम दोनों? हाँ कहीं भी, आज ही। आजी? हाँ क्यों नहीं, कुछ सोच तो लेने दो। तुमने तो कहा था तुम भी घर छोड़ना चाहते हो, घूमना फिरना पसंद करते हो। चलो ना आज ही हम दोनों भाग चले, बाद में फिर मौका ना भी मिले। तुम्हें क्या डर लग रहा है? इन्हीं कपड़ों में चल दूं? ठीक है, तुम्हें नहीं जाना है तो रहने दो।
नहीं ऐसी बात नहीं है कमली, जाना तो मैं भी चाहता हूँ, मगर जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे मोहन, यहाँ से तो दूर रहेंगे, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकेगा। तुम अपना सामान लेके आना, मैं अपना सामान लेके आऊंगी। हाँ सचमुच? हाँ सचमुच। कब? आज रात 12 बजे यहीं। हम दोनों यहीं मिलेंगे? हाँ यही जगह ठीक रहेगी, रात को जब सब सो जाएंगे मैं आ जाऊंगी बस। चलो उठो उठो जल्दी, आज मेरी एक तस्वीर खींच लो, आज मैं बहुत खुश हूँ। कमली कहाँ है? अरे ये 10वीं बार पूछ रहे हो मुझसे कि कमली कहाँ है, तुम्हें नहीं तो भेजा उसे बेर लाने। छुपने की कोशिश मत करो, मैं तुम दोनों को देख लिया है। कमले क्या चाहिए तुम्हें? कहाँ है वो? छोड़ो मुझे। कहाँ छुपा के रखा है कमले को? यहां क्या है कमली? कमली नहीं है यहाँ।
मैं घर जाऊंगा, मुझे घर ले चलो कोई, घर जाऊंगा मैं, घर घर। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, मार डालोगे क्या? छोड़ो घर। हाँ दादा घर चलते हैं, अभी छोड़िए ना इसे, छोड़िए छोड़। चलो दादा। ओह मुझे ठंड लग रही है, बैठना तो जरा मुझे कुछ देर और। हाँ दादा चलो ना, मैं आपको बिस्तर पे लिटा देता हूँ। अच्छा बेटा मोहन, तू दादा, तुमने मुझे पहचान लिया दादा? जरा रोशनी तो बढ़ा, तुझे एक बार देखू तो अच्छी तरह। हाँ। हे भगवान, मैं अपने घर में हूं, तेरे पिताजी कहाँ हैं मोहन? माँ को लेने गए हैं, कल सुबह शायद आ जाएंगे। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, एक ग्लास पानी तो दे मुझे। जी दादा। अरे चल सो जा, क्या कर रही है? कुछ नहीं। देखो तो मैं अपने ही घर में हूं, घर की सफेदी करानी है, बगीचा तो शायद जंगल बन गया होगा, मंडी से अनाज खरीदना है। कितनी खुशी की बात है दादा, तुम अच्छे हो गए। बंद कर दूं?
हमारा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकेगा। क्या कर रही है? भाग रही थी उस लड़के के साथ, वो गधा। उसकी अच्छी पिटाई की मैंने आज, याद रखेगा जिंदगी भर वो। चल यहां से, और अब से कभी नहीं फटके गया। आया भी तो उसकी हंडी पसली कर दूंगा। छोड़ दो। अरे चल, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। कैसे नहीं जाएगी? चल। न चैनम क्लेदयन्ति आप न शोषेति मारुत अच्छेदायम अदाद्य अयम अक्लेद अशोक्ष एवच नित्य सर्वगत स्थाणु अचल अयम सनातन अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम अविकार अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितम्। हम भाग जाएंगे। चल रे, देखता हूं कैसे गायब रहती है तू रात रात भर। तेरी टोपी कहाँ है? चल मेरे तंबू के अंदर। आज से तू मेरे निगरानी में रहेगी। तेरे माँ बाप से कुछ नहीं होने वाला है। सोए पड़े दोनों। अगले पड़ाव में पहुंचते ही हमारी शादी हो जाएगी, कल या परसों, मालूम है? चल तंबू के अंदर, चल चल। आज से तू यही सोएगी मेरे पास, आज से तू यही सोएगी मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास।
ए मोहन, चल जाए यहां से। नहीं जाती, देख तो। देखता क्यों नहीं मेरी तरफ? क्या तू हमेशा चुन्नी बना रहेगा? चल मेरे साथ। क्या भक्ति है दादा? अरे दादा कौन सा हमें देखते रहते हैं, चल आना। अब तो तेरी मेले वाली बंजारन भी जा रही है। हाय राम। दद्दा है? कैसे हुआ ये? तू क्यों मिलती रहती है मुझसे? क्या जरूरत है मुझसे मिलने की? क्यों, क्या हुआ? अगर फिर मुझसे मिली ना तो मेरा भी मरा मुंह देखेगी। जा चली जाए यहां से। हुआ बेटे? सब कल रात। हाँ, पिया मैंने क्या किया?
मैंने क्या किया, मुझे छोड़ के जइयो ना पिया, मैंने क्या किया। जाए हो छल के बस मेरे नैन रे, छोड़ गया मेरा साथ हो बीच गगन में चैन रे, बन गए फूल बबूल क्यों, बन गए फूल बबूल क्यों, कोई तो समझियो छोड़ के जइयो ना मितवा। कैसे मरी कमली? मलेरिया हो गया था उसे। तुम दोनों की शादी? शादी तो हुई नहीं, जाने के 2 महीने बाद ही कमली चल बसी। उसे किसी डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सका। क्यों? उसने इलाज करवाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। शायद वो मरना ही चाहती थी। फिर शादी नहीं की तुमने? नहीं, किससे करता शादी। नहीं, मैंने भी नहीं की शादी। मैं भी किससे करता? कुछ मुझको अपनी